गाइज, आई एम संजीव और आज हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है गाइज। तो ये देखिए, हमारे घर में जो दो नन्हे मेहमान आए थे, मैंने उनके बारे में पिछले एपिसोड में आपको बताया था। तो वो दो अभी ये 3 से 4 दिन और हो गया हमारे घर में इनको आए हुए। तो ये रहे हमारे छोटे नन्हे मेहमान। ये चार दिन में हमारे घर में जो इनका ग्रोथ हुआ है आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इनको सिर्फ हम खाने में यही देते हैं, ये पेट्स लाइफ हैंड फीडिंग फार्मूला जो हमने अमेजोन से मंगा रखा है, तो यही देते हैं सिर्फ खाने में, और पानी देते हैं और कुछ भी नहीं देते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा ये लोग बोलना स्टार्ट किए, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि बिल्कुल ये मिट्ठू कोई आया कोई गया ऐसे कुछ बोलना नहीं स्टार्ट किया है, बस ये काँव काँव करते हैं अभी तो, और बहुत ही प्यारे हैं। तो गाइज ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, और धीरे धीरे अभी हमने इनको थोड़ा सा इनके लिए हमने एक घोंसला सा बना रखा है, लेकिन उनसे बाहर ले आए हैं, ड्राइंग रूम में लेके आए हैं, तो दिखा रहे हैं गाइस। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी इसके ब्लॉग बनाते रहेंगे हम, जैसे जैसे इनका ग्रोथ होगा और इनको वो चीज़ जैसे जैसे ग्रोथ करेंगे वैसे वैसे हम आपको दिखाते रहेंगे गाइस। तो इनको कुछ भी नहीं देना, बस आपको यही देना, अगर आप इनको अपने घर में ले आते हैं तो कभी भी आप ले आइएगा तो 30 दिन से ऊपर का ही पेट्स ले आइएगा। तो इनको जब भी खाना दीजिए आप, तो कुछ भी घर का बना हुआ ना दीजिए, सिर्फ आपको यही देना है, जब तक कि कम से कम 2 महीना 3 महीना आपको यही देना है। पेट्स लाइफ हैंड फीडिंग फार्मूला अमेजोन से हमने मंगा रखा है, यही देना है, इनके सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। और रेगुलर आपको पानी पिलाते रहना है, ताकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप इनका जो पोटी होता है ना, पोटी से आप इनके प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि इनको तबीयत ख़राब है या कुछ भी है। अगर ये गीला पोटी करते हैं तो समझ लीजिए इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अगर नॉर्मल पोटी करते हैं तो समझ लीजिए आपका पेट जो है बिल्कुल सही है और अच्छे तरीके से उसकी देखभाल हो रही है। तो गाइज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं हम आपको, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइज, और अगला वीडियो मैं फिर आपको दिखाऊंगा।